हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। तो आज मैं आपके लिए एमएमएल के अंदर एक और मतलब वेक्टर कैलकुलस की एक और वीडियो लेके आया हूँ। तो हम देखते हैं इसके अंदर एक नया जो टॉपिक है वो कह रहा है, पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं उसकी क्या है। कह रहा है कि इफ आपका कोई फंक्शन है एच टी, अगर वो इक्वल है गॉफ फोक के, फॉग ऑफ टी के, बेसिकली एक कंपोजिट फंक्शन है, एंड जो आपका एफ है वो एक फंक्शन है, इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू। ठीक है, सो हम एफ इक्वल टू एफ एक्स वन एक्स टू लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले एक्स टू लिख दिया, फिर आपका जी जी जो टी फंक्शन है वो है एक आपका वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, ये भी एक वेक्टर फंक्शन है, बेसिकली ये भी एक एक्स वन और एक्स टू की फॉर्म में ही है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ जो है ये है ये तो है रो में और ये है कॉलम के अंदर। तो और एक्स वन और एक्स टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टी के फंक्शन है, जो कि टाइम है एक तरीके से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स वन इज अ फंक्शन ऑफ टी एंड वेयर एक्स टू इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टी। ओके, सो देन द ग्रेडियंट ऑफ एच, फिर जो ग्रेडियंट ऑफ एच होगा ना, ग्रेडियंट ऑफ एच बेसिकली इसको समझने की कोशिश करो तुम। हमने क्या कहा, फॉग ऑफ टी, तो बेसिकली एच टी क्या है, एफ टी डॉट जी टी, ये रो के अंदर है और ये कॉलम के अंदर है। ठीक है, सो रो इंटू कॉलम वेक्टर, ठीक है, तो रो इंटू कॉलम वेक्टर बनेगा बेसिकली। तो यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ, जब आप एच टी की बात कर रहे हो तो वो आपको दे रहा है पहले तो रो वेक्टर, जो आपका एफ वन हो गया, एफ एक्स वन, और पूरे एफ को एक बार आप एक्स टू से डिफ्रेंशिएट करो, उसी तरीके से कॉलम को भी डिफ्रेंशिएट करो, एक्स वन डो डो टी, एक्स टू और डो टी, इसी तरीके से आपने इसको कर लिया। ठीक है, इसको टी के रेस्पेक्ट में और इसको एक्स वन के रेस्पेक्ट में। क्यों इसको टी के रेस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि एक्स वन और एक्स टू दोनों ही टी के फंक्शन है। ये भी है, आगे चलकर हमें एक्स वन और एक्स टू की जगह दोनों को ही टी के जो इक्वेशंस है वो डालनी पड़ेगी, लेकिन यहां पर इसी को इसी तरीके से समझना है अपने को। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं, एफ जो फंक्शन है वो एक्स वन और एक्स टू की फॉर्म में है, और एक्स वन और एक्स टू दोनों ही टी वेरिएबल के फंक्शन है। ठीक है, सो एक क्वेश्चन लेते हैं और ये सारा डाउट अपना क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन वन है, क्या कह रहा है, मान लीजिए एच आपका एक फंक्शन है जो आर टू आर डिफाइन हो रहा है, ठीक है, और एच जो है वो ये है फॉग ऑफ टी। ठीक है, सो जो फंक्शन है एफ है वो डिफाइंड है आर स्क्वायर टू आर, और जो जी फंक्शन है वो डिफाइंड है आर टू आर स्क्वायर। ठीक है, सो एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स वन एक्स टू की होल स्क्वायर। तो यहां आप देख सकते हो ये तो आर टू है, मतलब एक्स वन और एक्स टू टू वेरिएबल है अपने पास में, और इससे क्या बन रहा है, आर बन रहा है, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन आ रही है। और जी एक्स जो है आपका, ये है आपका जी एक्स नहीं है, बेसिकली ये जी टी है, तो ये हो गया आपका टी कॉस टी और टी साइन टी। ठीक है, ये आ गया आपका जी टी। एक और चीज दे रखी है, एंड जो तुम्हारा एक्स है वो कुछ और नहीं एक्स वन और एक्स टू है। ठीक है, एक्स के अंदर एक्स वन और एक्स टू है, सो कंप्यूट द ग्रेडियंट ऑफ एक्स एच। सो आपको क्या करना है, कंप्यूट करना है ग्रेडियंट ऑफ एच, बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ एच निकालना विद रेस्पेक्ट टू टी। यहां पर दे रखा है विद रेस्पेक्ट टू टी निकालना है, तो लास्ट में चलकर आप सारी वैल्यू को टी में, यहां पर देखिए एक्स वन और एक्स टू बेसिकली ये टी टी की फंक्शन है, ये एक्स वन और एक्स टू कुछ और नहीं यही है, टी कॉस टी और टी साइन टी है ये बेसिकली। आगे चलकर हमें इनको रिप्लेस करना पड़ेगा तो हम आगे चल के देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, एफ गिवन है हमें ई एक्स वन एक्स टू की होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें गिवन है, फिर एक्स वन और एक्स टू भी गिवन है, टी कॉस टी जो मैंने बताया था और एक्स टू टी साइन टी, ये हमें गिवन है। ठीक है, सो ग्रेडियंट ऑफ एच जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि सबसे पहले तो हम इन इसका इसका निकालेंगे हम,
किसके रेस्पेक्ट में, एक्स वन के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा ई एक्स वन एक्स टू, सॉरी ई की पावर एक्स वन एक्स टू की होल स्क्वायर, ठीक है। फिर बाद में एक्स टू ऐसे कैसे क्यों, फिर बाद में इसका भी होगा ना डिफरेंशिएशन एक्स वन के रेस्पेक्ट में, तो ये तो वन हो जाएगा और ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये एक्स टू मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर आपका अगला ई एक्स वन एक्स टू की होल स्क्वायर, और इसका होगा टू एक्स वन एक्स टू, ठीक है। एक बार तो हमने किया एक्स वन के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, और एक बार किया एक्स टू के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट मल्टीप्लाइड बाय। अब देखिए यहाँ पर ये कॉलम वेक्टर बनेगा, तो इसको भी हम एक बार तो टी के रेस्पेक्ट में ऊपर और नीचे हम वो कर देंगे, तो टी के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको पूरे को, तो ये क्या हो जाएगा, टी साइन टी प्लस कॉस टी, ठीक है, यूवी रूल लग जाएगा। ऐसा ही सेम टी कॉस टी प्लस साइन टी, यहां पर भी यूवी रूल लग गया हमारे पास में, ठीक है। फिर बाद में देखिए आपका इतना हो गया ग्रेडियंट ऑफ एच, इसका फिर बाद में आप निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करके आप पूरा पूरा वो निकाल ही लेंगे, इक्वेशन निकाल लेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो एक बार ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, एक बार ये इसके साथ में, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सो यहां पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका एक्स टू स्क्वायर ई एक्स वन एक्स टू की होल स्क्वायर माइनस टू टी, देखिए ये एक बार इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, फिर बाद में टू टी साइन टी प्लस कॉस टी, ठीक है, ये हो गया आपका एक। फिर आपका ये जो दूसरा है ये वाला है, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आपको पता ही है, ठीक है। सो टू एक्स वन एक्स टू ई एक्स वन एक्स टू की होल स्क्वायर टी कॉस टी, सॉरी मैं इसको सही से लिख देता हूँ, टू कॉस टी प्लस साइन टी, ठीक है, ये आपका हो गया ये। फिर बाद में आप एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, एक्स वन और एक्स एक्स टू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी साइन टी की होल स्क्वायर, ठीक है, फिर ई की पावर टी कॉस टी और टी स्क्वायर साइन की साइन स्क्वायर टी हो जाएगा ये, फिर माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी, ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा ये वाला टर्म, फिर टू टी कॉस टी बन गया क्योंकि हमने उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी यहाँ से, फिर ये हो गया टी साइन टी ई की पावर टी कॉस टी, ये एक्स वन की वैल्यू कॉस टी है यहाँ पर, और इसकी हो जाएगी टी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ठीक है। और फिर एट लास्ट आपका ये जो फंक्शन है ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा टी कॉस टी प्लस साइन टी के साथ में, और फिर इसको हम सॉल्यूट करके आगे इसका सॉल्व करके, बेसिकली इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे पूरा पूरा तो लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो मैं लिख देता हूँ, टी की ई की पावर टी थ्री साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ठीक है, टी स्क्वायर साइन टी थ्री कॉस टी साइन टी माइनस टी साइन स्क्वायर टी प्लस टू टी कॉस स्क्वायर टी, दैट्स इट। सो ये इसका हो गया ग्रेडियंट ऑफ एच। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, मैं आपको बस बताने के लिए दे देता हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो हमारे पास में एफ एक्स का जो फंक्शन है वो तो हो गया आपका ये एक्स एक्स वन की स्क्वायर एक्स टू, और जी टी जो फंक्शन है वो आपका हो गया साइन टी कॉस टी, ठीक है, ये आपका जी टी हो गया। और इसका फिर बाद में आपको एच टी निकालना, ग्रेडियंट ऑफ एच टी निकालना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले को इस तरीके से इसका रो वेक्टर बनाना है हमें पहले तो, और इसका कॉलम वेक्टर, तो इसके कॉलम वेक्टर के लिए जी को
इस पूरे बेसिकली इसको एक्स वन बोल देते हैं, एक्स वन को ये हो गया एक्स वन और ये हो गया एक्स टू, सो इसको हम टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो एक्स वन एक्स टू, एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू विल बी सब्सटीट्यूटेड, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड टिल हेयर, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू डू कमेंट, फिर लास्ट में आप इसका मल्टीप्लीकेशन निकालकर एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा और उसको सॉल्व करके लिख दीजिएगा, एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इसका सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, कंप्यूट करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, हैव अ गुड डे। मैं अगली जो वीडियो है वो नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर बनाऊंगा, जो कि मॉड्यूल नंबर आपका है 5, सो ऑप्टिमलिटी के ऊपर है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक है इस पूरी मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स के अंदर, सो मतलब है तो बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो मैं उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ आप वो वीडियो भी देखें, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।